मनोहर लाल की विशेष चर्चा होनी है और अब से कुछ ही देर बाद ये विशेष चर्चा कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें इस बार वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से संवाद करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये विशेष चर्चा जो है वो करेंगे। थोड़ी देर में विशेष चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम मनोहर लाल इस बार वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के साथ संवाद करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ बातचीत यहाँ पर करते हैं वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देखिए क्योंकि अब सरकार जिस तरह से योजनाएं लेकर आ रही है उसका फायदा जन जन तक पहुंच रहा है या नहीं इसका ध्यान भी सरकार बखूबी रख रही है और वृद्धावस्था की पेंशन का जो लाभार्थी हैं वो लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं इसका भी ध्यान सरकार रख रही है। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से संवाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये संवाद की शुरुआत हो जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले भी कई बार जनसंवाद कार्यक्रम के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम भी कर चुके हैं जब वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद करते हैं लोगों से और इस बार जो है वो वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से संवाद का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। इससे पहले छात्रों के अभिभावकों से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था और तब भी कई बातों पर विचार विमर्श सीएम ने किया था कई बातों पर गौर जो है वो करवाया गया था। इस बार क्या कुछ कहते हैं सीएम ने देखने वाली बात होगी। वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से संवाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। आपसे कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ये संवाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। अपने साथियों से जितने लोग आज जुड़े हैं मुझे लगता है कि आयु में बहुत तो मेरे छोटे भी होंगे बहुत मेरे से बड़े भी होंगे लेकिन एक मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं फिर किसी दफ्तर जाते हैं उनकी फाइल उनका दस्तावेज तैयार होता है महीनों महीने घूमते रहते हैं लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे कभी एसडीएम के पीछे कभी चौकीदार के पीछे और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनकर नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हमें इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। भाइयों बहनों जब ये 9 साल पहले उस दौर में मैंने देखा बहुत से लोग पेंशन के पात्र होते थे उनको मिलती थी जो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी। इसलिए हमने सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एक कार्यक्रम किया एक पोर्टल बनाया परिवार पहचान पत्र और इस पोर्टल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है उसके परिवार का डाटा उसका व्यवसाय क्या है उसकी आय क्या है आमदन क्या है उसकी आयु क्या है उम्र क्या है और जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद
एक महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है और आपको भी उस समय खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है कि हमारे उस एक भाई को जिसको पेंशन की आवश्यकता है उसको बिना किसी हुलजुत के और ये पेंशन मिल गई है। हमने इस प्रकार से एक व्यवस्था की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था उसकी पेंशन उसके यहाँ पहुंच नहीं पाती थी तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया, तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। खास करके ऐसे परिवार या ऐसे असहाय व्यक्ति जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, जिस किसी को इसका मानो कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं डाल सकते, तो ऐसी स्थिति कई बार समाज में रहती है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता, पात्र व्यक्ति का उसको मिलेगा। हाँ, अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत लोगों ने तो मुझे ध्यान में है अपने आप भी इस समय पेंशन छोड़ी है, उनका कि ठीक है हम हकदार नहीं थे, मानो हमने गलती से ली भी है तो हम पेंशन छोड़ते हैं। एक केस तो मुझे ऐसे भी ध्यान में आया जिन्होंने कहा मैंने पेंशन छोड़ी और इतने समय तक मैं पेंशन लेता रहा हूँ, मेरी पेंशन वापस भी जमा कराना चाहें तो मेरी पूरी पेंशन बैंक में जमा है, उसको वापस भी आप ले सकते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष भी इस अभियान के अंदर हमको मिले हैं। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पा करके निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित ना रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब इस अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है, ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है और अब तो एक घोषणा मैंने की है बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे ताकि समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके जी सके। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है। और जनवरी 2024 में अगर मैं 3000 रुपए प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाऊं तो 900 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा सामाजिक पेंशन लगभग ये साल का 10000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाकर लेकर के गए हैं। न केवल पेंशन बल्कि गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाभ, जैसे मानो बीपीएल परिवार है तो बीपीएल परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी, वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे। हमने बीच में एक बार बहुत प्रयत्न करने के बाद और 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे, बहुत तरह की कठिनाइयां उस समय हमको आई थी क्योंकि हम भी आखिर सरकारी कर्मचारी और बाबुओं से काम लेते हैं, लेकिन कठिनाइयां बहुत पैदा होती हैं। लेकिन हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया और एक ही घोषणा की कि अभी तक बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 रुपए साल की है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया। और जैसे ही 1,80,000 किया तो ये जो बीपीएल के परिवार हैं ये एकदम डबल से भी ज्यादा और ये हुए हैं, तो उन बीपीएल के परिवारों को ऑटोमेटिकली अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है, राशन की सुविधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है। और इसी प्रकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार, यदि कोई परिवार में बीमार हो जाता है, किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ऐसे परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर
5 लाख रुपए वार्षिक इलाज का पैसा ये सरकार खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने गरीब परिवारों को, बीपीएल के परिवारों को मिली। लेकिन इतना मिलने के बाद भी, क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो सूची थी वो 2011 में बनी थी, हमने उसके बाद नई योजना बनाकर और यही लाभ चिरायु योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार से शुरू की गई, आय बढ़ाई, जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सूची में जोड़ा, तो ये 15 लाख परिवार के बजाय ये लगभग 29 लाख परिवार ये उसके बाद हो गए। और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे, उन सबको हमने चिन्हित किया। कई परिवार मानो विभाजित होकर के 1 से 2 बन गए, 1 से 3 बन गए। आखिर ये 13 साल की अवधि में समाज के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ। तो अभी 2 दिन पहले ही हमने और 14 लाख परिवारों को चिरायु हरियाणा के अंतर्गत जोड़ करके अब ये सूची कुल मिलाकर के 40 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सबके कार्ड धीरे धीरे बन रहे हैं। 80 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के कार्ड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग ये बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना चिरायु हरियाणा, आयुष्मान भारत, इसकी भी हमारी जो है बनी है, जिसका लाभ आप सब लोग उठा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड, इन्हीं का नहीं तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो आयुष्मान जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र चाहिए, एक क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, एक क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, एक क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हमारे विपक्षी बंधु बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिए हैं, लोग जो है पोर्टल में पिस गए हैं। मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधाजनक तरीके से, बिना उनका खर्च किए, बिना उनका समय लगाए, बिना भागदौड़ किए, घर बैठे मिलता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते थे, पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल हटा देंगे, अब आखिरकार वही मान गए हैं कि नहीं, पोर्टल है तो अच्छी चीज, इसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। मित्रों, कमी तो हर चीज में रह ही सकती है। आखिर कोई नई चीज जो लागू की जाती है तो उसके अंदर स्वाभाविक है छोटी बड़ी कमी रहती है। हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख ऐसे परिवार थे 70 लाख में से जिन्होंने कुछ कमियां बताई। हमने प्राय सब ठीक कर दी है। अब तो कोई कमी होती है उसको तुरंत वो लोग ऑनलाइन उसको दर्ज करते हैं, रजिस्टर कराते हैं और हमारे लोग उसको तुरंत जाकर के सर्वे करके उसको ठीक करते हैं। किसी की इनकम गलत लिखी गई है उसको हम ठीक करते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या गलत लिखी गई उसको ठीक करते हैं। पता गलत लिखा गया उसको हम ठीक करते हैं। नाम अथवा पति पिता का नाम अथवा किसी के और किसी सदस्य का नाम गलत लिखा जाता है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए हम लगातार कर रहे हैं। हर वर्ष जो परिवर्तन उसमें होने होते हैं, चाहे व्यवसाय का परिवर्तन है, चाहे उसकी आय का परिवर्तन है, इस प्रकार के सब परिवर्तन उसके अंदर डाले जाते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, दर्ज करते ही तुरंत उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार की ये परिवार पहचान पत्र की जो सुविधा है, ये एक बड़ी सुविधा और ये लोगों को सबको दी है। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बनकर के आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। आयु बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग
जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे, शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ सेवा आश्रम जो है, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाए। और ऐसे जो बंधु हैं, जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रम में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, शारीरिक रूप से कई बार आयु के साथ कमजोरी आ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयु के साथ व्यक्ति का अनुभव है, वो अनुभव भी बढ़ता है, और उस अनुभव का लाभ हमें अपनी नई पीढ़ी को ये भी देना चाहिए। आखिर नई पीढ़ी आकर के हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के समाज में, जीवन में काम करेगी, उनकी भी प्रगति होगी, और देश प्रदेश समाज को वो भी, इसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस काम को भी हमें करना चाहिए, सबको अपनी ओर से ये सब बताना चाहिए। कुछ दिनों बाद दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूँ, आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन भी हमको सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये संवाद। जनवरी से 3000 रुपए मिलेगी पेंशन, ये कहते हुए वो नजर आए। देखिए, 3000 रुपए पेंशन कर दी गई है, पीपीपी के जरिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं सरकार, ये उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही कहा, घर बैठे ही पेंशन देने का काम कर रहे हैं, आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में जाए, इसकी कोशिश सरकार की रहती है। घर बैठे ही पेंशन देने का काम किया जा रहा है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से संवाद कर रहे थे सीएम, आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में पहुंचती है, हमने हक मारने वालों पर शिकंजा कसा है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। 9 साल में पेंशन में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं, अब किसी पात्र व्यक्ति का हक कोई भी नहीं मार सकता, जो भी पात्र है उसे उसका हक जरूर मिलेगा, अपात्र लोगों ने पेंशन छोड़ी भी है। 2014 में 1000 रुपए महीना मिलती थी पेंशन। तो सीएम मनोहर लाल का ये संवाद आप सुन रहे थे, वृद्धावस्था पेंशन भोगियों से सीधा संवाद सीएम मनोहर लाल का, जब उन्होंने कहा विधुर बंधुओं को भी पेंशन देने का काम किया गया है, जिनकी 45 साल तक शादी नहीं हुई उन्हें भी पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है।